तेजस्वी यादव जो 3-4 सीटें लाए हैं वो उनका घमंड है, समझिए ना। ये भी नहीं उनको सीट आना चाहिए था। ये पप्पू यादव जी सही बोले हैं, वो कभी हेलीकॉप्टर में बैठ कर सनातन को टारगेट करते थे, कभी हिंदू को बोलते थे, कभी मंदिर पर टिप्पणी करते थे, कि मुस्लिम का वोट पाने के लिए डायरेक्ट हिंदू का टारगेट किए, जिसकी वजह से इस घमंड की वजह से उनका 2-4 सीटें पे पलट गई। ये 2-4 सीटें जो भी आई है ये पवन सिंह के कारण ही इनको सीटें आई है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पवन सिंह का जाके पैर छूना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। 3 सीटें जो काराकाट हो गया, आपका आरा हो गया, ये बक्सर हो गया, पूरा तरह से पवन सिंह की वजह से आप न जीते हैं। आप इस बात को मानिए कि तेजस्वी यादव के अंदर घमंड है, कहीं कहीं क्या ज्यादा घमंड है उनके अंदर? तेजस्वी के पास घमंड है, घमंड है मोदी के पास। घमंड नहीं होता तो समाजी कार्यकर्ता पप्पू यादव को क्यों छोड़े? पप्पू यादव क्यों छोड़े? पप्पू यादव जाकर मोदी जी के पास चाय पीते थे, चाय पीते थे, चाय वो अच्छा लगता था। पप्पू यादव मोदी के पास चाय पीने कब चले गए? तेजस्वी से अलग हुए राजद से, वो पप्पू यादव अलग नहीं हुए, तो लालू यादव का बेटा तेजस्वी ने किया था। तेजस्वी यादव पूरा शहाबाद क्लीन स्वीप कर दिए, घमंड रहता तो पवन सिंह के चलते साहब। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के वक्त पूर्णिया लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ था, चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि वहां से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव एंट्री किए थे। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस गठबंधन से बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया गया था, दूसरी तरफ जो है एनडीए से संतोष कुशवाहा प्रत्याशी थे। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव के एंट्री से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आखिरकार चुनाव हुआ, पप्पू यादव वहां से जीत गए। और कल उन्होंने मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया था। तो उन्होंने कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडिया अलायंस गठबंधन बिहार में 25 सीटें और जीतते। इसी मुद्दे पे हम पहुंचे हैं आम पब्लिक के पास। आम पब्लिक क्या सोचते हैं, पप्पू यादव के बात में कितना दम है, इसी मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव का अंदर घमंड नहीं होता तो 25 सीटें और जीते? एकदम बिल्कुल, पहले बात तो हम पप्पू यादव के बारे में बता देते हैं। वो पप्पू यादव जो मेहनत किए थे, जो जनता को से प्यार पाए थे, उनको फल मिला, वो भारी बहुमत के साथ जीते, उनको जितना भी चाहिए था। हम उनको शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे, उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाकी रही तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव जो 3-4 सीटें लाए हैं वो उनका घमंड है, समझिए ना। ये भी नहीं उनको सीट आना चाहिए था। ये पप्पू यादव जी सही बोले हैं, आज पप्पू यादव एक स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने बोले हैं कि सुनिए, उन्होंने बोले हैं कि अगर तेजस्वी यादव अपना घमंड छोड़ दे तो उनका सीटें और बढ़ती, 15-20 सीटें और बढ़ती, लेकिन उनका जो सीट कम होने का कारण हो गया उनका घमंड। वो कभी हेलीकॉप्टर में बैठ कर सनातन को टारगेट करते थे, कभी हिंदू को बोलते थे, कभी मंदिर पर टिप्पणी करते थे। यही आपको पप्पू यादव के देखिए, इन्होंने कभी भी सनातन के ऊपर या कभी भी मछली खाकर सनातन को बदनाम करने का काम नहीं किया, वो एक हिंदू का काम किया, क्योंकि उनको पता था राजनीति में हिंदू और मुस्लिम दोनों का योगदान चाहिए, तब जाके सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार ये कहा कि आपका तेजस्वी यादव क्या किए, डायरेक्ट मुस्लिम का वोट पाने के लिए डायरेक्ट हिंदू का टारगेट किए, जिसकी वजह से इस घमंड की वजह से उनका 2-4 सीटें पर पलट गई। ये 2-4 सीटें जो भी आई है ये पवन सिंह के कारण ही इनको सीटें आई है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को पवन सिंह का जाके पैर छूना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए। आज समझ गए ना, बिहार में उनको एक मंत्री को इस्तीफा दिलाकर, जो मंत्री जीते हैं वो उनको हटाकर पवन सिंह को ना एक अति देना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, क्योंकि जो 4 सीटें जीते हैं ना, 3 सीटें जो काराकाट हो गया, आपका आरा हो गया, ये बक्सर हो गया, पूरा तरह से पवन सिंह की वजह से आप ना जीते हैं। आप मानो या मानो, ये पूरा तरह से आप जो 3 सीटें लाए हैं ये पवन सिंह इसका ना अति है, ग्रैंड अति बनता है, योगदान है। पप्पू यादव जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडियन गठबंधन 25 सीटें और जीतती, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव 19 में एक भी सीट नहीं आया था, एक आया था कांग्रेस किशनगंज, अभी 8 बार गया, 9 हो गया है, तेजस्वी जी के दम पर आया है। आई में घमंड की क्या बात है, वो अपना घूम करके प्रचार किए, जनता का बहुमत है, जनता दिया 9 सीट दिया उनको, बहुत बढ़िया बहुमत मिला, अच्छा एक भी नहीं था आरजेडी का, तो एक भी नहीं था, 4 आ गया, 2 माले आ गया, 2 कांग्रेस बढ़ गया, एगो पहले से था, इसको अच्छा नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? शुभ है उनका, कई गो गठबंधन था, उसके बाद से 22 कई हेलीकॉप्टर मोदी जी का प्रोग्राम लगा, किसका लगा। तीन दिन तेजस्वी यादव पूर्णिया गए, लेकिन
निराशा लगी, बीमा भारती को काफी कम वोट 27,000 क्या क्या बीमा भारती क्या? काफी कम वोट आया पूर्णिया में। देखिए जनता का मिजाज है, जनता का मिजाज जिसको जितना चाहा उतना दिया, कहीं कम मिला कहीं बेसी मिला, कहीं 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 तो आपको महाराजगंज में 2 लाख 2.5 लाख मिलता था, 4 लाख मिला है, है कि नहीं। देश भी मानते हैं कि इस बार अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। 9 सीट आ गया कम है, वो भी नहीं आता तो अगले साल तो कुछ भी नहीं आया। किसका? महागठबंधन का अनिस में कहाँ आया था, आपके भाई तो अच्छा न है। अब रह गया घमंड की बात, तो घमंड की क्या बात है, तेजस्वी जी क्या घमंड कर रहे हैं बताइए ना। जनता सब जान रही है कि क्या घमंड करते हैं। अब उनको नहीं सहा रहा है कि 5 लाख नौकरी दिए और आपको 17 महीना में ये सब चीज उनको नहीं सहा रहा है। वो क्या है, वो तो मान लीजिए कि एक रेडियो स्टेशन बंद भी कर दिया जाता है ना, तो अपने आप चालू रहता है, वही चालू रेडियो है, बंदो करने पर बोलते रहते हैं, तो उनके बाद की कोई जानता नहीं चाहती है। जीत गए, जनता का जनादेश है, भिल गया जनता का। तेजस्वी के घमंड की बात नहीं है, जनता का जो जनादेश हुआ है इसका स्वागत करना है, वृद्धि हुई है, कुछ और काम की ओर दिशा दे, जो कमियां रह गई होगी और उस कमी को पूरा करें, अगली योजना को समाप्त करें, जनता फिर मैंडेट देगी, जैसे कुछ बढ़ी है कांग्रेस और जनता दल और बढ़ेगी, सत्ता में आएगी। क्या पप्पू यादव अगर साथ रहते हाँ, तो क्या सीटें और बढ़ती? हम की यूपी है क्या है, लेकिन सवाल अब पप्पू यादव, अगर पप्पू यादव इंडी अलायंस गठबंधन के साथ रहते हाँ, तो 9 सीट जहां मिला है उससे ज्यादा सीटें मिलती बिहार में? हाँ, इस सवाल का जवाब है जब पप्पू यादव इंडिया गठबंधन में होते तो सीट ऑफ मेंबर्स ऑफ सीट कुछ बढ़ती की घटती जी? नहीं, कुछ बढ़ती, कुछ बढ़ती। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बॉर्डर का हूँ, चंदौली जिले का, लेकिन मेरे को अनुभव आ रहा है कि कुछ सीटें जरूर बढ़ती, कुछ सीटें जरूर बढ़ती, पप्पू यादव की उपेक्षा की गई। चलिए क्या कहेंगे भैया, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की क्या बात, वहाँ का जनता समझिए अपना मिजाज एकदम बदल के एकदम बहुत बढ़िया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के अंदर अगर घमंड नहीं होता तो 25 सीटें और जीते इंडियन अलायंस। वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं पप्पू यादव, कहीं नहीं कहीं सही बोल रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के अंदर नहीं घमंड होता तो पूरे बिहार में पूरे सीट इंडिया गठबंधन का होता। अगर पप्पू यादव साथ रहते तो और ज्यादा सीट मिलता, एकदम मिलता, क्योंकि एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू यादव है, नेता ही नहीं सामाजिक अच्छा कार्यकर्ता है। बाढ़ के समय में आप देख लीजिए, नेता छोड़िए वो संसद होने के बावजूद पानी में उतना पानी में हेल का छाती पर पानी में हेलने के बावजूद भी जाकर काम किया जी। तो अब उससे बढ़िया अब कौन सा नेता हो सकता है। अब मतलब पप्पू यादव के साथ रहने से फायदा होता है पूरा पूरा एकदम। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडिया गठबंधन 25 सीटें और जीतती, कैसे उसके बयान को? नहीं, तेजस्वी यादव के पास कुछ घमंड नहीं है। बिहार की जनता के दुर्भाग्य है कि रोजी रोटी के लिए अपना मत नहीं दिए, नहीं तो तेजस्वी यादव बहुत उनसे उम्मीद है हम लोगों की, युवाओं की, क्यों रोजी देंगे, सरकार आएगी। पप्पू यादव जो है नहीं, अब तेजस्वी पप्पू यादव ने ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए पूरा सीमांचल को, मिथिलांचल में। आप इस बात को मानिए कि तेजस्वी यादव के अंदर घमंड है, कहीं नहीं कहीं क्या ज्यादा घमंड है उनके अंदर, तेजस्वी के पास घमंड है, घमंड है मोदी के पास। घमंड नहीं होता तो सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू यादव को क्यों छोड़े, पप्पू यादव क्यों छोड़े? पप्पू यादव जाकर मोदी जी के पास चाय पीते थे, चाय वो अच्छा लगता था। पप्पू यादव के पास चाय पीने कब चले गए? तेजस्वी से अलग हुए थे राजद से, वो पप्पू यादव अलग नहीं हुए, तो लालू यादव का बेटा तेजस्वी ने किया था, उस टाइम क्या था, बहुत ही था वो, तो देखिए राजनीति वो उनका घमंड है पप्पू यादव का कि मिथिलांचल में रहती है इलाका है तेजस्वी यादव, पूरा शाहबाद क्लीन स्वीप कर दिए, घमंड रहता तो पवन सिंह के चलते शाहबाद क्लीन हुआ है, वोट है पवन सिंह के चलते उसका वोट है पवन सिंह का, किस दिन लिए प्रत्याशी के लिए, प्रत्याशी के लिए पूरे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहाँ पे उतारू हो गए। देखिए आम पब्लिक से हमने बातचीत किया, जिस प्रकार से पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडिया अलायंस गठबंधन 25 सीटें और जीतती, इस पर हमने आम पब्लिक से बातचीत किया, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। आप इस सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत